सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कल से जो सस्पेंस बना हुआ था कि होने क्या जा रहा है, तो आज मैंने इसे डिस्क्लोज किया है, आज मैंने अनाउंस किया है। और इसमें जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार दोनों का ही यह आह्वान था कि बाहर से लोग आए और यहाँ इन्वेस्ट करें। अभी तक बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां आए, सिर्फ यहाँ पर सर्वे करके चले गए, लेकिन हमारी सोसाइटी यह पहली सोसाइटी है जो दिल्ली से हमने कश्मीर वैली में आकर के, श्रीनगर जकूरा में आकर के हमने एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। और अब ये पहला स्कूल है हमारा वैली का जो हमारे फाइनेंस से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे अंडर डायरेक्ट कंट्रोल यह चल रही है। और पहला जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा वह 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा। मैंने इस स्कूल को बनाया है अपने तरीके से और मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। मैं अदर इन्वेस्टर से भी यह अपील करता हूँ, यह आह्वान करता हूँ कि आप आए। जम्मू कश्मीर का जो अब वातावरण है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो यहाँ का जो लोग हैं वो काफी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं और यहाँ एक समुचित वातावरण बना है जिसमें बाहर के इन्वेस्टर आएंगे, वो भी अपने आप को प्रॉफिट लेंगे और यहाँ की सोसाइटी को भी बेनिफिट देंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की जो चर्चा हो रही है, तो इंडिया का यह सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता ही नहीं बल्कि इंडिया का यह सबसे पहला स्कूल है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। ये जो पैरामीटर है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड का है, नॉट ओनली फॉर दिल्ली बट दिस इज द कंपेयर विद द लंदन, कंपेयर विद द ऑक्सफोर्ड, कंपेयर विद द कैम्ब्रिज, कंपेयर विद द टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल अभी 21 स्टेट्स में है और अब्रॉड में हमारा ब्रांच है 7। इस तरह टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज अभी जो एग्जिस्टिंग है वो हमारा 136। सबसे पहले जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो AI और कोडिंग का जो आपने बात की है, इसकी हमने तैयारी कर ली है और बच्चों को हम काउंसिलिंग देंगे। बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हम उन्हें काउंसिलिंग देंगे कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाह रहे हैं। यहाँ AI इम्प्लीमेंट होगा, कोडिंग की पढ़ाई यहाँ दी जाएगी, बाकी और भी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ, मैथमेटिक्स लैब होगा हमारा, साइंस लैब होगा हमारा और ट्रेडिशनल के साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सारे इम्प्लीमेंट करके हम लोग 1 अप्रैल से इसको यहाँ पर बच्चों के बीच एजुकेशन के लिए हमने इंप्लीमेंट किया। यहाँ मैं पेरेंट्स को सीधा सीधा मैसेज देना चाहूंगा कि जो फाइनेंशियली भी वीक गार्जियन है, यहाँ RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत जो 25% का जो गवर्नमेंट का नॉर्म है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है, उसको मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। ये सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ की सोसाइटी के लिए। जैसे कि बहुत सारे स्कूलों से ये रिपोर्ट आया था, यहाँ से रिपोर्ट आया कि किसी कोई भी स्कूल इसको नहीं मान रही है, तो हमने इसे इम्प्लीमेंट किया है ताकि जो फाइनेंशियली भी वीक गार्जियन है वो अपने बच्चे को इस लेटेस्ट एजुकेशन से महरूम ना रख सके, अपने बच्चों को और अच्छी तालीम दे सके। तो मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि जो इंटेलेक्चुअल है वो तो अपने बच्चे को भेजें, जो फाइनेंशियली वीक और इंटेलेक्चुअल है, जो एजुकेशन के महत्व को समझ रहे हैं, वो भी अपने बच्चे को भेजें। टुडे इन IDPS श्रीनगर वाज कंप्लीटली टेकन ओवर बाय IDPS सोसाइटी एंड नाउ ऑल द नॉर्म्स एंड कमिंग टू द रिक्रूटमेंट पॉइंट और HR पॉलिसी और द करिकुलम दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सोसाइटी। पहले उनके पास एक प्लेटफॉर्म है विच इज़ ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यू नो वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड रिवोल्यूशनाइज किंडरगार्टन वर्ल्ड, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट IDPS सोसाइटी हैज़ टेकन इन IDPS श्रीनगर एंड इन कमिंग टाइम अदर डिपार्टमेंट्स विल बी ऑल्सो इवॉल्व एज पर द IDPS सोसाइटी पैरामीटर। एज वी नो द स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर आर वेल वर्स्ड, दे आर हाईली टैलेंटेड, स्किलफुल है, दे ओनली रिक्वायर प्लेटफॉर्म। अगर हमने उनको इफ़ वी teach them and train them as per the international standard, inshallah our students will be successful in everything. I would like people of Kashmir to have a visit to our school and go through the role model school of IDPS society and observe the things going on in the school and then take a decision whether this school is suitable for their kids or not.